नमस्कार, प्रस्तुत है कुछ चुने हुए इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स अगेंस्ट द गिवन फ्रेजेस। यहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। जो निम्नलिखित फ्रेज दिए गए हैं उनके अगेंस्ट में सही एक वर्ड देना है। पहला है अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवरों का विज्ञान होता है, तो इसमें से कौन सा होता है? ये दूसरा नंबर, जूलॉजी। दूसरा नंबर है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा जो लाइफ हिस्ट्री लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये तीसरा नंबर ऑटोबायोग्राफी। तीसरा नंबर है वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं? यह है चौथा नंबर, इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर फोर, वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, बगैर किसी मानदेय के जो अपनी सेवा देता है उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर वन है, वॉलेंटियर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर थ्री, एक्वाटिक। सिक्स नंबर है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गया है वैसे व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसॉल्वेंट। सेवन नंबर, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से ही नफरत करता है, ऑप्शन नंबर थ्री, मिज़ेंथ्रोप। एट नंबर है वन हु ईट्स फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लिश, जो पौधे और जंतु दोनों के भोज्य पदार्थ को खाता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर थ्री, ओमनीवोरस। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, वह सरकार जो सभी धर्मों का सम्मान करता है उसे कहते हैं सेकुलर गवर्नमेंट। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों का इलाज, यह कहलाता है पनसिया। इलेवन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर थ्री, एंटोमोलॉजी। 12, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां चिड़ियों को रखा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, एवियरी। 13, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो हमेशा आशावान रहता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम जानते हैं उसे कहते हैं आशावादी, तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, संपर्क के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बिल्कुल
काफी शक्तिशाली होता है, या कह सकते हैं जो शक्तिमान होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन डिजीजेस ऑफ स्किन, यानी स्किन के डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उस फिजिशियन को क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। अ स्लीपिंग रूम फॉर मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों की रहने का जो सोने का जो रूम होता है, आप होटल वगैरह में देखते हैं, वहां बहुत सारा ऐसा होता है जहां एक ही रूम में कई लोगों को बेड, कई लोगों का बेड लगा होता है, तो उसे कहते हैं डॉर्मिट्री। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बगैर किसी तैयारी के जो भाषण होता है दिया जाता है, ये कंपटीशन आपके विद्यालय में होता होगा, इसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, जो हमेशा बुरा पक्ष ही देखता है, यानी जो निराशावादी होता है, उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस, दूर की चीजों को देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो जमीन और पानी दोनों पर जो जानवर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुछ जानवर को आप नाम जानते हैं जैसे मेढक, तो इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। ट्वेंटी टू, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है। ऑप्शन नंबर 5, 4, माइसोजिनिस्ट। 23, वेरी प्लीजिंग टू ईट, खाने में बहुत ही जो आनंद देता है। ऑप्शन नंबर 3, टूथसम। 24, फियर ऑफ फायर, कुछ लोगों को यह बीमारी होती है, आग से डरते हैं, तो वैसे उस बीमारी को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर 1 है, आर्जोन फोबिया। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, यानी कीट पतंगों का जो अध्ययन करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट्स। वन हु स्टडीज अबाउट नोज, ईयर्स एंड थ्रोट, जो नाक, कान और गले का अध्ययन करता है, यानी जो एक्सपर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर 2, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। थोड़ा वर्ड लंबा है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है, हिंदी में से कहते हैं आस्तिक, और इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, यह है ऑप्शन नंबर 1, ओमनीसिएंट। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीजेस ऑफ द आईज, जो आंख के बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर 1, 1 है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बर्ड्स,
चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4 ऑर्निथोलॉजी। तो ये थे 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए थे। धन्यवाद।